दोस्तों नमस्कार, ऑल इन वन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बाइक बोर्ड की कुछ अपडेट के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। दोस्तों बाइक बोर्ड की जो न्यूज़ JBP न्यूज़ में आने के कारण जो है जो इन्वेस्टर हैं वो बहुत ही परेशान है, और हो भी क्यों ना, जिन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई को यहाँ पर लगाया है, गाड़ी कमाई को यहाँ पर लगाया हुआ है, परेशान होना स्वाभाविक है। जहाँ पर इतने सारे जो है इस तरह के जो है साजिश बन रही है, किसी से राजनीतिक साजिश बताया जो ABP न्यूज़ में दिखाया गया था, और कोई कुछ बोल रहा है, अपने अपने विचार रख रहे हैं लोग। लेकिन जो भी हो दोस्तों, न्यूज़ ने जो दिखाया, जो खबर अपनी जगह दिखाई है, न्यूज़ में दिखाई खबर अपनी जगह है, लेकिन जो कंपनी इन्वेस्टर के साथ कर रही है, किसी न किसी न्यूज़ चैनल ने दिखाया और इन्वेस्टर का दर्द समझा, ये बात हमें मेरे हिसाब से ज़रूर समझनी चाहिए। हमें इस बात को समझना चाहिए कि परिणाम पॉजिटिव हुए या नेगेटिव, लेकिन शायद ये बताना बहुत ही मुश्किल है। अभी कंपनी की जो वेबसाइट है दोस्तों, दो तीन दिन से बंद थी, और कंपनी ने जो ऑप्शन रखे थे दो तीन की जो है प्रॉपर्टी, शेयर और ई बाइक, आप लोगों ने देख लिया होगा कि इसके तीन ऑप्शन थे, और उसमें जो है आज तक 15 तारीख तक जो है 15 मार्च तक जो है ई बाइक पर 6472 लोगों ने, प्रॉपर्टी में 17,059 लोगों ने, और शेयर में 909 लोगों ने जो है इसको चुना है। अभी तक की जो अपडेट है दोस्तों, यदि कंपनी यहाँ पर कैश का ऑप्शन रखती तो शायद ये सब जीरो होता, और हमें ये सब इसमें ई बाइक जो प्रॉपर्टी हो चाहे शेयर हो, इसमें हमें जीरो मिलता और सभी जो है कैश लेना चाहते। लेकिन बताया जाता है कि कंपनी के पास लिक्विड कैश नहीं है। चलो थोड़ा दोस्तों थोड़ी चर्चा इसके जो है विषय में कर लेते हैं, जो सामने रखे ऑप्शन है ई बाइक, प्रॉपर्टी और शेयर। उससे पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके हर अपडेट का फ़ायदा उठाएं। जहां तक दोस्तों मुझे सुनने में आया कि लोगों ने अपने मकान बेच दिए, किसी ने मोटी रकम जो है लोन ली है, किसी ने ज़मीन गिरवी रख दी, उनको अपना घर बचाना मुश्किल हो रहा है, तो उनका ना तो बाइक कंपनी की प्रॉपर्टी से, ना तो बाइक से और ना शेयर से कोई मतलब होगा। 90% लोगों की मांग है कि हमें हमारा मूलधन मिल जाए, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट ही मिल जाए, उतना ही बहुत है। मुझे लगता है कि इन्वेस्टर और ज़्यादा भड़केंगे, और यदि अब और भी ज़्यादा यदि FIR कोई होते हैं, फुल स्केल होता है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो 31 मार्च को जो दिल्ली में मीटिंग है, खबरों के अनुसार अभी तक है, और जो लोग कैश या फंड की, मुझे लगता है लोगों को कैश या फंड की ज़रूर वहाँ पे मांग करनी चाहिए, वहीं सबसे बेहतर विकल्प है। आप लोगों को बुलाया है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाएं और उनके ऊपर फोकस बनाएं, फोर्स बनाएं एक की जो है कैश की मांग की जाए। लेकिन ये हम लोगों की मांग पूरी होगी ये शायद नामुमकिन सा लगता है। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कंपनी जो तीन ऑप्शन रखे हैं, सबसे ऊपर है शेयर। शेयर कंपनी की वैल्यू के ऊपर चलता है, यदि कंपनी डूब रही हो, खूब बढ़ रही हो, तो ये सब उस शेयर से पता लग जाता है। कंपनी जिस तरह से विवादों में हो, कंपनी की शेयर इस तरह से कौन खरीदेगा? आप खुद सोच सकते हो, जिस कंपनी की फ्यूचर अच्छा हो, प्लान अच्छे हो, ग्रोथ अच्छा हो, विजन अच्छा हो, वहीं लोग, वहीं शेयर उसके चलते हैं, और वहीं लोग जो है लोग उस शेयर को खरीदते हैं। तो शेयर वाला फंडा तो मुझे लगता है कोई फेल है। दूसरे जहाँ तक दोस्तों प्रॉपर्टी की बात है, छोटा इन्वेस्टर जिसके पास 1, 2 या 3 लाख हो, 1, 2, 3 बाइक लगाई हो जिसने, जिसके 1, 1.5 लाख, 1,46,000 लगभग इतना ही हो, उसके वो जो है प्रॉफिट ही खरीद के, इतनी प्रॉफिट में इतनी कहाँ उसके पास प्रॉफिट मिलेगी? जहाँ पे प्रॉपर्टी के करोड़ों लाखों रुपए जहाँ पे कीमत है, वहाँ पे 1-2 लाख में आपको क्या प्रॉपर्टी मिलेगी? ये बात सोचिए, खुद ही खुद सोचना चाहिए हमें। आप खुद सोच सकते हैं कि ये प्लान भी, इसका भी कोई मतलब नहीं रह गया। जहाँ तक दोस्तों लास्ट जो ऑप्शन है उसका ई बाइक की जहाँ तक बात है, इसकी कीमत बाज़ार में 25 या 30-35 हज़ार तक होगी, और कंपनी जो है 1,24,200 रुपये में इसको दे रही है, तो क्या आप लेना चाहेंगे? बट मजबूरी जहाँ तक है दोस्तों, उसमें ऑप्शन यही बचता है, बाकी तो कोई ख़ास ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल है नहीं। ई बाइक चूज कर सकते हैं हम लोग, लेकिन आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, हमें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अंत में दोस्तों जो सभी ऑप्शन दिए हैं, ई बाइक, प्रॉपर्टी, शेयर, इनका भी फ्यूचर में क्या होगा, ये ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हो। हम ज़रूर एक को सेलेक्ट कर लेंगे, या करना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारी मजबूरी होगी।
लेकिन इनका क्या फ्यूचर होगा वो, या हमें इसी तरह बाद में भी भटकना पड़ेगा, ये ना आप जानते हो ना मैं जानता हूँ, ये जो है इसके बारे में बताना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों मैंने अपने ये अपने विचार रखे आप लोगों के साथ, अपने विचार साझा किए, अपनी फीलिंग्स बताई, या ये समझे कि मैंने अपने विचारों को थोड़ा ज़्यादा रूप दिया। और आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, ठीक लगा होगा, और आप लोगों से विनती है दोस्तों कि यदि ठीक लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के प्रेस करके हर इसी तरह के अपडेट का फ़ायदा उठाएं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम।